trapping out the bando. Hey what's up guys, welcome back to our channel. I hope आप सभी ठीक होंगे। तो guys हम आ चुके हैं फिर से आपके लिए लेकर एक नई चीज़, नई लोकेशन। तो guys मोमोज की डिमांड ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भाई, लोगों को मोमोज इतने ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खास, कुछ स्पेशल आपके लिए लेके आए। तो हम आ चुके हैं इस टाइम मैकलोस में। तो मैकलोस की लोकेशन वैसे दलोजी रोड पे पड़ती है, लगभग सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एड्रेस मेंशन कर देंगे। एक बार मैंने ना मोमोज खाए थे, वो थे मसाला मोमोज भाई, मज़ा ही आ गया, बस मुँह पानी आ रहा है बस बात करते करते आपसे। तो आइए पहले भैया से बात करते हैं अंदर और फिर आपको बताते हैं अच्छी तरह से भाई, बस समझ गए ना आप। चलो तो और बताइए भैया जी, कैसे हो? बढ़िया, ये बढ़िया। तो भैया हम देख रहे हैं मतलब कि मैकलोस नाम कैसे पड़ा आपकी शॉप का? मैकलो नाम ऐसे पड़ा भाई, हम जाते थे मैकलोडगंज। अच्छा, तो उधर हम जब भी जाते थे कोई 10-15 साल हम रेगुलर गए गर्मियों की छुट्टियों में, तो हम मैकलो होटल पे ही खाते पीते थे जो भी है, मैकलो होटल पे। ऐसे ही हमारे दिमाग में आया कि हम भी जब भी काम शुरू करेंगे तो अपने रेस्टोरेंट जो है उसका नाम मैकलो ही रखेंगे। तो कितना टाइम हो गया भैया वैसे आपको मतलब आते हुए यहाँ पे काम करते हुए? ऐसे तो ये दुकान बहुत पुरानी है, 60-70 साल हो गए दुकान को। 60-70 ईयर्स पहले कोई और चलाता था या मतलब कैसे? पहले पीछे हमारी स्वीट्स की दुकान है, आगे हमारा ये फास्ट फूड का काम। आपके पापा चलाते थे पहले? हाँ, वो स्वीट्स का काम करते अभी भी करते हैं। तो अभी आपने आगे मतलब अपना स्टॉल स्टार्ट कर लिया? इसको मेरे को 8-9 साल हो गया है फास्ट फूड को शुरू किया हुआ। तो क्या बात है भैया। तो मतलब क्या सबसे बेस्ट सेलिंग आइटम है जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हो, तो मतलब अगर उनको पता चले तो वो मतलब ये तो भाई आगे चखे ही चखे ऐसा कुछ? हाँ, हमारी दुकान की दो आइटमें सबसे बेस्ट हैं, एक डोसा है और एक मसाला मोमोस है। हाँ भाई, मसाला मोमोज की तारीफ तो मतलब क्या ही करें, वो आपको बताएंगे जब आप खाओगे ना, जब हम खाएंगे ना भाई आपके मुंह में तब पानी आ जाएगा। तो मतलब अभी जी जो आपने स्टॉल स्टार्ट किया जी, इसको कितने साल हो गए? इसको 8 साल हो गए हैं। अच्छा, इसको 8 साल से। तो आप क्या प्रेफर करो कि आज हम क्या ट्राई करें? आज आप मसाला मोमो ट्राई करो। हाँ, मसाला मोमोज का ट्राई करते हैं। तो कोई और ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि हमारी ऑडियंस को पता चले प्रॉपरली, तो कोई और ऐसी आइटम जो आप चाहते हो? मलाई चाम स्पेशल हमारी। तो ठीक है गाइस, मलाई चाम के साथ मसाला मोमोज हम टेस्ट करेंगे, तो दिखाते हैं आपको अच्छी तरह से कि बस मतलब पानी आ रहा है मुँह में, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अंदर हो रहे हैं ना अभी तैयार। तो आइए चलते हैं। तो गाइस हमारी मलाई चाम लग चुकी है भाई, बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है, बस मुँह में पानी आ रहा है, अभी खा के बताते हैं आपको कैसी लगी हमको। तो पहले बिना चटनी के एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लो भाई एक बार शक्ल देख लो उसकी, क्या ही बात है गाइस, पानी आ रहा है बस मुँह में। टेस्टी तो है लेकिन मेरे को लगा चटनी के साथ और ज़्यादा टेस्ट लगी, चटनी के साथ ट्राई करके देखते हैं अभी। देख लो भाई क्या ही बात है, गाइस चाप भी इनकी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन मेरे को जो पर्सनली पसंद है ना वो है मसाला मोमोस। तो गाइस ये गई हल्की सी मेयोनीज, ये गई भाई हरी चटनी, ये गई थोड़ी सी दाल चटनी, क्या ही बात है। जो इनके मसाला मोमोस है ना भाई बहुत ज़्यादा यम्मी होते हैं वो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मसाला मोमोस में मेरे को जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ लगती है ना वो है कि प्रॉपर तरीके से इन्होंने मसाला डाल रखा है, बीच में इन्होंने लाइम वाटर भी स्प्रिंकल किया है, तो उसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस मुँह में पानी आ रहा भाई, खा के फिर आपसे प्रॉपर बात करते हैं भाई। तो गाइस हमने सोचा कि आपकी रेफरेंस के लिए हम डोसा भी करवा लेते हैं मैकलो का, तो लेकिन जो मतलब डोसा का रिव्यू होगा ना वो हमारे अमितेश भाई आपको बताएंगे, हमारे साथ आज अमितेश भाई भी आए हैं। तो गाइस मैंने पठानकोट में बाकी जगह से भी खाया हुआ डोसा अपने दोस्तों के साथ, मतलब शादी में भी खाया हुआ है, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर दिस वन ओवर अदर्स वन। ये काफ़ी अच्छा डोसा है, इसका टेस्ट जो है ना, मतलब एक होती है ना ऑथेंटिसिटी होती है डोसा की, वो दिख रही है इस डोसा में, और जो चटनी के फ्लेवर हैं वो भी इतने अच्छे आ रहे हैं कि मतलब दिल कर रहा है केला ही खा जाऊँ, मतलब दोस्त आए हुए हैं साथ में तो मेरा फिर मिल कर रहा है मैं केला खाऊँ इसे। तो गाइज ये था भाई हमारे अमितेश भाई का रिव्यू। भाई वैसे आपको सही में बताऊँ, जो इनकी मलाई चाम थी वो ठीक थी,
लेकिन जो इनके मसाला मोमोज है ना भाई, वो तो मैं आपको कहूँगा भाई एक बार टेस्ट करके जरूर देखो आप, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। तो गाइस जहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म, आज की मेन हाईलाइट यही थी कि मसाला मोमोज भाई इनके बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। लेकिन जैसे कि अमितेश भाई ने बताया कि डोसा भी इनका काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, डोसा भी आप जहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। गाइस जहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म, फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।